हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। आज के टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जैसे कि नाम से पता चलता है तो इसमें आपको बेसिक चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। इसके लिए ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को कंपास की हेल्प से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना आता है। जैसे लाइन ड्रॉ की आप लोगों ने, फिर आपसे क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर का कंपास की हेल्प से आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। इस पर तो हम क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे, 4.5 खोलेंगे, यहाँ लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर, पॉइंट का नाम लिख दिया ओ। ये हो गया आपके कंपास की हेल्प से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। इसी तरह से आप लोगों के और भी पार्ट है, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना यानी कि जैसे कोई लाइन है जैसे ए एंड बी, ए एंड बी ले ली। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कंपास को यहाँ से पकड़ा, ऊपर आर्क लगाया, नीचे आर्क लगाया, हाफ से ज़्यादा खोल कर, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी ऊपर लगाया, नीचे लगाया, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में ये इसको ज्वाइन करने पर मिलते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। उसी तरह से ये हो गया, इसी तरह से एंगल बाइसेक्ट भी होता है। मान लो कोई एंगल बनाया आपने, ये कोई एंगल है, ठीक है, मान लो कि ये 75 डिग्री का है, तो इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है तो कैसे, सॉरी इसका एंगल बाइसेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, कंपास लेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये 0 डिग्री पॉइंट होता है, ये जितना एंगल है उतना होता है। अब इसका बाइसेक्ट करना है तो क्या करेंगे, एक कंपास जितना खोला, एक आर्क ऊपर लगाया, यहाँ से भी एक आर्क यहाँ लगाया, जहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कंपास जितना है उतना ही रहेगा, फिर आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। तो ये इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहलाता है, सॉरी एंगल बाइसेक्ट कहलाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पहले से आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से कंपास की हेल्प से एंगल बनाना। कंपास की हेल्प से कौन कौन से एंगल बना सकते हैं, 15 की पूरी टेबल बना सकते हो। पूरी टेबल आगे तक चलती है, 165, 180, ये सारे बना सकते हो, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों की अगर पहले से क्लियर है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आती इससे, लेकिन ये अगर बेसिक ही नहीं आता तो प्रॉब्लम आती है। पहली चीज़ ये है कि आप पहले इन बेसिक चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से चीज़ें आनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। बाकी मैं चैप्टर के इसमें क्वेश्चन के साथ साथ ही करा रहा हूँ, ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक इसका वीडियो भी बना दूंगा बेसिक चीज़ों के लिए। फिलहाल आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसके अंदर AB की वैल्यू 4.5 हो, BC की वैल्यू 5.5 हो, CD की वैल्यू 4 हो, AD की वैल्यू 6 हो, AC की वैल्यू 7 हो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम बना दिया, नाम लिख दिया ABCD, और ये इधर हो जाएगा AC, इधर हो जाएगा BD। अब कौन सा मेजरमेंट कितना है, AB कितना है 4.5, BC कितना है 5.5, CD कितना है 4 सेंटीमीटर, और AD कितना है 6 सेंटीमीटर, AC कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये BD कितना है, AB बस ये है ही नहीं, BD है ही नहीं, इतनी मेजरमेंट दे रखी है आपको, 5 मेजरमेंट दे रखी है बस, 5 मेजरमेंट का यूज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका। क्या करोगे, सबसे पहले आप ये या तो जैसा है वैसा ही बना लो, लेकिन मैं जैसे तरीका बता रहा हूँ ध्यान से करना। मैं क्या बता रहा हूँ, आप क्या है, सबसे पहले इस डायगोनल को ड्रॉ करो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ड्रॉ किया कंपास के स्केल की हेल्प से AC ड्रॉ किया, AC 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर, क्या किया हमने स्टेप्स में, सबसे पहला हमने काम क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर दूसरा काम करो क्या, अब आपने AC ले लिया, अब A पॉइंट पर A से D तक कितना जा रहा है, 6 सेंटीमीटर जा रहा है, उसी तरह से C से D पर कितना जा रहा है, 4 सेंटीमीटर जा रहा है, ये बनाएंगे हम, ठीक है। नाउ मेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट
ए एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। तो एक तो सी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का, एक ए पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। तो आपने जैसे कंपास को खोला, तो कंपास को यहाँ से खोला, कितने सेंटीमीटर खोला, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर खोला मान लीजिए, ये यहाँ आ गया। फिर ये कह रहा है कि भाई आपको सी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो हमने लिया ये सी पॉइंट, इससे 4 सेंटीमीटर का हमने आर्क लगा दिया। तो बोथ आर्क मीट ईच अदर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट बी, जहां पर दोनों आर्क मिलते हैं एक दूसरे से, उस पॉइंट का नाम क्या है, डी। कितना कर दिया आपने, अब इसको ज्वाइन कर सकते हो आप, लिख देंगे यहां पर ज्वाइन स्केल से इस पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ए डी एंड सी डी, ए डी एंड सी डी, ये आपने ज्वाइन करना है। इसी बात मान में इसी तरह से जैसे ऊपर बनाया वैसे नीचे बनेगा। नाउ मेक एन आर्क ऑफ कितने सेंटीमीटर, 4.5 फ्रॉम पॉइंट ए एंड 5.5 फ्रॉम पॉइंट सी। देखिए सी पॉइंट से 5.5 का, ए पॉइंट से 4.5 का, और दोनों कहाँ मिलेंगे, बी पॉइंट पे। ये भी लिख देना बोथ आर मीट ईच अदर एट पॉइंट बी। कितना करो पहले, ये 7 था, सी डी कितना था, सी डी आपके था 4 सेंटीमीटर, ये कितना था 6 सेंटीमीटर। अब आपने कंपास लिया, ए से जो आर्क लगाया आपने 4.5 का लगाया, इसी तरह से सी से जो आर्क लगाया वो आपने 5.5 लगाया। तो इस तरह से आपके ये आर्क दोनों कहाँ मिल रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे मिल रहे हैं। फिर आपने स्केल लिया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे तो ए बी पॉइंट हो गया, और ये आपकी क्या आ गया, बी सी। ये ज्वाइन कर दिया आपने, ये लिखो ज्वाइन ए बी एंड बी सी। तो इस तरह से आपने एक क्वाड्रिलेटर मिल गया, जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो आपको क्वाड्रिलेटर मिल जाता है। इस तरह से जो आपके क्वाड्रिलेटर बनाओ, तो बहुत ही आसान है। क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। बच्चों इस तरह से आप ये स्टेप्स कर सकते हो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने कर दी, या आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस तरह से क्या प्रोसीजर है, ये इस तरह से स्टेप्स से पता भी चलता है, जो किया वही स्टेप्स होती है। ठीक है, वो प्रोसेस बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। रफ डायग्राम जरूर बनाए, रफ डायग्राम से काफ़ी आइडिया हो जाता है, बहुत ही आसान है। इसको अच्छे से ट्राई करिए आप, इसके बाद सेकेंड करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, जैसा हमने प्रोसीजर लिया बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी आप क्या कर लो, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगा, पी यू लेंगे, सेम एज इट इज है जो हमने उसमें किया, पी यू लिया। फिर आपने क्या किया, पी एम, पी से एक आर्क लगाया आपने, कितने का लगाया, 5 सेंटीमीटर का लगाया। फिर आपने यू से जो लगाया वो कितने का लगाया, 4 सेंटीमीटर का लगाया। दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, एम पॉइंट पर मिल रहे हैं, ज्वाइन कर दिया पी एम को और पी यू को, ज्वाइन कर दिया आपने। ज्वाइन करने वाला प्रोसीजर भी लगा दो, दोनों आर्क जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट पे नाम दे देना। क्या किया हमने, रो लाइन सेगमेंट पी यू इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। नंबर टू, मेक एन आर्क ऑफ B and
5 सेंटीमीटर बी से और 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट यू, बोथ आर मीट ईच अदर, मीट ईच अदर एट पॉइंट एम, फिर ज्वाइन करना है हमें, इसको ज्वाइन करेंगे बी एम एंड एम यू को, इनको ज्वाइन करेंगे, ए बी एम है, एम यू ये ज्वाइन कर दिया, ये आपने बताइए 6.5 सेंटीमीटर था। अब सेम प्रोसीजर नीचे भी लिखाएंगे, इन दोनों को हमने ले लिया, अब ये दोनों ले ली, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का हमने बनाया और 4 सेंटीमीटर का हमने ये पार्ट कर दिया, अब ये पार्ट करना है, तो इसमें आप लिखेंगे मेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी और 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट यू, दोनों जहाँ पर मिलेंगे बिल्कुल पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ये 3.5 सेंटीमीटर ये आपकी क्या है, सॉरी ये 3.5 सेंटीमीटर ये आपकी क्या हो गया 4.5 सेंटीमीटर, तो इस तरह से आपके डायग्राम बनते हैं, तो दोनों कहाँ पर जाकर मिलते हैं, जे पर मिलते हैं, ये जे यू एम पी आपको मिल जाता है, इसमें भी आप लिख दीजिए मेक एन आर्क ऑफ कितने सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी एंड 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट यू, इधर आप लिखेंगे बोथ आर मीट ईच अदर एट पॉइंट जे, फिर कर देंगे ज्वाइन जे पी एंड जे यू, ज्वाइन कर दिया आपने, ये हो गया काम, तो यहाँ लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड वर्ड, सॉरी जे यू एम पी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से आप ये अपना काम कर सकते हो, ये आप लोगों के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। हाँ बच्चों थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम है जिसके अंदर आपको दो साइडें दे रखी है, डायगोनल की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें ये वाली साइड नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, तो लेकिन इसमें कॉमन सेंस भी पता होना चाहिए, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये अगर 4.5 है ऑटोमेटिकली ये कितना जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये अगर 6 है तो ये अपना आप ही 6 हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब सेम वापस वही प्रोसीजर जो हमेशा कर रहे हैं, क्या करेंगे वापस वही रो अ लाइन सेगमेंट ओ ई इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा मेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ई, और बोथ आर मीट ईच अदर एट पॉइंट, कौन से पॉइंट मिल रहे हैं एम, फिर अगले स्टेप में ज्वाइन कर दो इसको एम ओ एंड एम ई को ज्वाइन कर दो, फिर सेम प्रोसीजर आप नीचे भी लगाएंगे मेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ एंड 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ई, फिर बोथ आर मीट ईच अदर एट पॉइंट आर, फिर ज्वाइन करेंगे ओ आर एंड आर ई, बट
MORE इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। बच्चों इस तरह से आपकी स्टेप्स भी हो जाती है। डायग्राम में वापस से बता ही देता हूँ, बहुत ही आसान था। क्या किया, ड्रो OE इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, जो सेम प्रोसीजर हम करते आए हैं। फिर फ्रॉम पॉइंट O मेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट E, वो द आर्क मीट ईच अदर एट पॉइंट E। देन नेक्स्ट ज्वाइन OE, ज्वाइन OE एंड वेट अ मिनट, OE यहाँ पर लिया मैंने, सॉरी ये बोथ आर मीट ईच अदर एट पॉइंट M था, M पॉइंट पर मिल रहे दोनों, पॉइंट मिल रहे। अब ज्वाइन कर दीजिए OM, ये डायग्राम एक्चुअली हमने ऐसे बनाया ना, ये ऐसे बना, फिर ME, इनको ज्वाइन कर लिया हमने, कि नाम लिखो, मेजरमेंट लिखो, ये 6 सेंटीमीटर या आपके 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से नीचे वाला ये भी बनाना है, मेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O एंड 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट E। ये आपने डायग्राम बनाना है, ये आपके 6 सेंटीमीटर का, सॉरी यहाँ मिलेगा, और ये आपके 4.5 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का, इस पॉइंट का नाम दे देते आर। इस तरह से आपकी ये रिक्वायर पैरेललोग्राम बन जाता है, बिल्कुल पैरेलल बनेगा, ध्यान रखना ये पैरेललोग्राम बनता है, पूरा पूरा ध्यान रखना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करेंगे, इसको करिए जब तक आप। अब बच्चों इसी तरह से एक ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आपको BEST रोमबस बनाना है जिसमें BE दे रखा है, AT दे रखा है। रोमबस की प्रॉपर्टी हमें बतानी थी, सारी साइडें इक्वल होती है, तो ये 4.5 है तो डेफिनेटली ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा। बस ये प्रोसीजर वापस जो पहले किया था वही स्टेप्स आपको बताइए क्या करना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम प्रोसीजर है, आपको जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। रो a line segment BE is equal to या AT equal to 6 सेंटीमीटर। अब ये आर्क लगाने, नंबर टू मेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट T एंड एज वेल एज फ्रॉम पॉइंट S, सॉरी T से और एक E से, T और E से, इतना करते हैं। पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का, नाम क्या था T E, आर्क बनाया T से भी और E से भी, दोनों तरफ से आर्क बनाया आपने, बोथ आर्क मीट ईच अदर एट पॉइंट S, ज्वाइन कर दो, लिखेंगे ज्वाइन ज्वाइन एस टी एंड एस टी। नंबर फाइव सेम प्रोसेस में भी मेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट, इस तरह से जैसे आपने ऊपर लगाया वैसे नीचे बना दो, टी एस बन चुका, अब ये नीचे वाला भी बना देते हैं, फ्रॉम पॉइंट टी एंड एज वेल एज फ्रॉम पॉइंट ई, बोथ आर मीट ईच अदर एट पॉइंट, इस बार आपको ऊपर एस पे मिला था, इस बार बी पे मिलेगा, ज्वाइन कर देना, ये सेम प्रोसीजर रहता है, दोनों आर्क मिल जाते हैं एक दूसरे से, पॉइंट का नाम दे देते हैं जहाँ पर ये मिल रहे हैं दोनों पॉइंट, पॉइंट का नाम है बी, बी ई एस टी मिल जाएगा आपको, ये
यहाँ पर हो गया सबकी वैल्यू क्या है 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर ये सारी वैल्यू अभी बोल रहा हूँ ये क्रॉम्बस बनेगा फिर आप इसको लिख देंगे ज्वाइन पी बी एंड बी ई पी ई एस टी इज रिक्वायर्ड क्रॉम्बस। तो इस तरह से आप ये इसकी अच्छे से डीपली प्रैक्टिस करिए ये एक्सरसाइज आप अच्छे से रिटर्न करके देखिए साइड में रफ डायग्राम जरूर बनाए उसकी प्रॉपर्टी को आप अच्छे से ध्यान रखिए साइड में ले सकते हैं सिंस वी नो द ई साइड ऑफ क्रॉम्बस आर इक्वल पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल वाली साइड में मेंशन कर सकते हैं आप रफ डायग्राम की साइड में उससे आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सर तब तक के लिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों बाय।